हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस गूगल नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसीज निकली हैं। जूनियर ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की वैकेंसीज है। इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल रहने वाले, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की। तो सब हमारे पास टोटल 10 वैकेंसीज में अलग अलग रहने वाले डिसिप्लिन से। जूनियर ऑफिसर 1 लीगल की आपकी टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जूनियर ऑफिसर 1 विजिलेंस की 2 वैकेंसीज हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 15, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग की 1, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की 40, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की आपकी 6, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की आपकी 3 वैकेंसीज, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की 5 और ट्रेनिंग एग्री स्टोर्स की आपकी 12 वैकेंसीज के साथ टोटल 89 वैकेंसीज पूरे नोटिफिकेशन में रहने वाली हैं। सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके अंदर क्या रहने वाला है, तो इसके अंदर सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जूनियर ऑफिसर लीगल के लिए प्रोफेशनल डिग्री चाहिए इन लॉ के अंदर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल मैटर्स इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस शैल बी डिजायरेबल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स who are law graduates working in the next below post for 2 years of having aptitude to work in legal department will also be considered. इसके अंदर जूनियर ऑफिसर 1 विजिलेंस के लिए ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स हैविंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द स्केल ऑफ 19,000 टू 68,000 एंड अबव, आउट ऑफ विच 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द इंटेलिजेंस विंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग इन विजिलेंस सेटअप ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU। तो ये आपका एक्सपीरियंस बेस्ड रहने वाली है ये एक दो पोस्ट। कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, MSc प्लस MBA फुल टाइम और 2 ईयर्स फुल टाइम PG डिप्लोमा या डिग्री इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर MSc आपने कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए आपकी BE BTEC मांगी है सिविल के अंदर और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इन्होंने मैंडेटरी हर पोस्ट में ही दिया है, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस आपके पास होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BTEC मांगी है BE BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए BSc मांगी है एग्रीकल्चर में विद मिनिमम 60% मार्क्स, ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क्स के साथ, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए BSc एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स, ट्रेनिंग एग्री स्टोर के लिए आपका सेम BSc एग्रीकल्चर मांगी है, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर के लिए सीनियर सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट विद 3 ईयर्स डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स विद स्टेनोग्राफी और ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स प्रेफरेबली विद सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्टेनोग्राफी। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन मांगी है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऑफिस मैनेजमेंट एंड लेक्सिकल कम्युनिकेशन स्किल्स इज नेसेसरी और कैंडिडेट के पास शॉर्ट हैंड टेस्ट एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर और इन्हें पास करना मैंडेटरी रहने वाला है। इसके अंदर आपके लिए कैंडिडेट के लिए अप्रोक्सीमेटली मंथली जो स्टाइपेंड या अमेलमेंट्स रहने वाले हैं तो वो आपके जूनियर ऑफिसर 1 लीगल के लिए स्टाइपेंड जो है स्केल पे 22,000 से 77,000 रहने वाला है, जिसके अंदर बेसिक पे और आपके DA पॉक्स मिला के 37,224 रहने वाला है। विजिलेंस ऑफिसर के लिए आपका यही 37,224 रहने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग DA ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 55,680 रुपीज़ पर मंथ रहने वाला है। ट्रेनिंग के लिए यही आपका 23,664 पर मंथ रहने वाला है। ये आपका कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड जो स्टाइपेंड है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड है, बाकी उसके बाद आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो सबके लिए आपकी 30 ईयर्स है जूनियर ऑफिसर और चाहे लीगल है विजिलेंस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के लिए आपकी 27 ईयर्स रहने वाली है। रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST को 5 ईयर्स का, OBC NCL को 3 ईयर्स का, PWD को 10 ईयर्स का और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का रहने वाला है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए रिटन टेस्ट रहने वाला है बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Stage 3 के अंदर आपका टेकिंग इन टू टुगेदर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू मार्क्स कैंडिडेट फाइनली शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर सिलेक्शन और आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे तैयार होगी। जूनियर ऑफिसर 1 लीगल विजिलेंस
और ट्रेनीज के लिए आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है, उसी के बेसिस पे रिटन टेस्ट के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी, रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेसिस पे हो सकती है इन केस ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर के, और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंदर डायरेक्टली रहने वाला है, इसमें इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट इन केस ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड, और इसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स का रहने वाला है सर्टिफिकेट का रहने वाला है। पैटर्न आपका सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, ये जो एग्जामिनेशन जो रिटर्न रहने वाला है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने बताई है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी की मैनेजरियल रहने वाली है, जूनियर ऑफिसर लीगल, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस की, और ट्रेनी की सुपरवाइजरी या ऑपरेशन लेवल वर्क इन फील्ड एंड ऑफिस रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन और ये आपका रहने वाला है इन्फॉर्मेशन अबाउट जूनियर ऑफिसर लीगल और विजिलेंस के लिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के लिए ऑन ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंट अब्सॉर्प्शन टू रेगुलर पोस्ट एज मेंशन बिलो। आपका स्पेसिफिकली ये जो रहने वाला है इन डिटेल दी है, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस रह दी हैं। तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो नॉर्मली 1 ईयर का रहने वाला है, और ये आपका 1 ईयर को आपको ट्रेनिंग पीरियड करना रहेगा, और जो कि है आपको ट्रेनिंग इज नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय कॉर्पोरेशन विल बी गिवन सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। अगर आपको फ्यूचर ऑब्जॉर्प्शन के लिए आपको सर्टिफिकेट भी देंगे जिन कैंडिडेट का ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपको सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज जो रहने वाले हैं एक साल की ट्रेनिंग के बाद उनका ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और पर्सनल इंटरव्यू मैनेजमेंट आपके असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपको अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें पे स्केल जो है 40,000 से लेकर 1,40,000 रहने वाला है, और इसमें आपका बॉन्ड रहने वाला है 3 लाख रुपीज़ का फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ट्रेनिंग के लिए सेम आपका जो पे स्केल रहने वाला है आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद 17,000 से लेकर 60,000 रहने वाला है, और इसमें आपका जो बॉन्ड 1,40,000 का, और आपका जो पीरियड रहने वाला है वो 3 ईयर्स का रहने वाला है बॉन्ड पीरियड जो आपका रहने वाला है। बाकी बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल 500 प्लस GST ऑन ₹500 आपकी प्रोसेसिंग फी प्लस प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है, एंड जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS OBC सर्विसमैन के लिए रहने वाला है, ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है और कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, तो इनके लिए डायरेक्टली आपका ये आपका रहने वाला है। जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 28th of August से, लाश्ट डेट जो है 25th of September 2023 रहने वाली है। CBT की डेट भी इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया, टेंटेटिव 10th of October रहने वाली है, अभी तक जो डेट इनकी फाइनलाइज्ड है। तो आप इसमें अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा गाइस। बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और आज के वीडियो में गाइज इतना ही रहने वाला है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले, और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज़।